हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी एक और नई दया। यहाँ पर देखिए बीआरडी। तो फिलहाल अभी हम बीआरडी के सामने और यहाँ से हम चल रहे हैं असुरन की तरफ। तो फिलहाल जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कुछ बेहतरीन नज़ारा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल वीके मौज मस्ती को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन का घंटी भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम जब भी वीडियो पड़ता है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन इसका जाता रहेगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, देखिए फिलहाल गोरखपुर में डेवलपमेंट का वर्क बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बीच में खजूर का पेड़ लगा हुआ है और लाइटें भी लगी हुई हैं। तो फिलहाल अभी है दिन का समय और लाइटें फिलहाल बंद हैं। जो फिलहाल कुछ इसी तरीके से यहाँ पर लाइटें भी थोड़ा दूर दूर आप लोगों को दिख रही होंगी। तो फिलहाल अभी इसके बीच में एक लाइटें और लगेंगी, ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, लाइटें कंप्लीट रूप से लग चुकी हैं। ये थोड़ा सा वाइड एंगल करके वीडियो दिखाया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को लाइटें दूर दूर दिख रही हैं। हालांकि एक लाइटें के बीच में दो या तीन खजूर का पेड़ है। तो फिलहाल वो वाइड एंगल से आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो भी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखता है, बहुत ही बेहतरीन लुक नज़र आता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो का इंटरेस्ट लीजिए, देखते चलिए गोरखपुर में विकास किस तरीके से हो रहा है, किस हद तक गोरखपुर में विकास हो रहा है। और फिलहाल यहाँ पर कुछ इसी तरीके से देखिए गोरखपुर में डेवलपमेंट का वर्क कितना बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये भाई साहब बीच में ही आ जा रहे हैं, तो फिलहाल आएंगे जाएंगे वो तो लगा रहता है, लेकिन थोड़ा गाड़ी को देख करके भी आना जाना चाहिए ताकि किसी को भी अपने तरफ से कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान अगर ये समझ लिया कि भाई हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, जिस दिन कोई भी इंसान इस शब्द को जान लिया, इसे पहचान लिया कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो ना, उस दिन वास्तव में दुनिया एकदम बदल जाए, एकदम पूरी दुनिया ही बदल जाएगी दोस्तों, पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जिस दिन हर इंसान अपने आप को जान लिया कि मेरी वजह से उस इंसान को कोई तकलीफ ना हो या किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना हो, उस दिन वास्तव में दुनिया का पूरा रुख बदल जाएगा। और जो है कि और अन्याय वाले मामले तो एकदम समाप्त ही हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा अगर हो पाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग वगैरह वगैरह तरीके के लोग हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत वगैरह वगैरह तरीके के लोग हैं जो फिलहाल अपने हद तक जो भी करना रहता है वो लोग कर लेते हैं। लेकिन तो पर भी फिलहाल जो भी है अच्छा है, क्या कह सकते हैं हम, लोगों की मानसिकताएं के ऊपर सब डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए रोडों का बीच में जो डिवाइडर लगा हुआ है, ये भी काफ़ी बेहतरीन बनता है। रेड कलर का जो डिवाइडर है काफ़ी अच्छा लुक प्रदान करता है हमारे गोरखपुर शहर को, बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कुछ ही तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन लुक, वाह। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बस रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक बस रुकी हुई है। तो फिलहाल हम लोग धीरे से आगे निकलते हैं और यहाँ पर है ट्रैफिक लाइट बंद। अभी हम लोग आ गए हैं खजांची चौराहे के पास। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, फाइनली अभी हम लोग हैं खजांची के पास और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बेहतरीन लुक नज़र आता है, कितना बेहतरीन तरीके से वाइड एंगल का लुक आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लुक नज़र आता है वाइड एंगल से कैमरे का। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ हम लोग निकल दिए यहाँ से, और सिग्नल ग्रीन होते ही तो देखिए फिलहाल जल्दीबाजी में नहीं, आराम से निकलते हैं हम लोग। तो फिलहाल दोस्तों ये आप लोगों को देख पा रहे हैं खजांची चौराहा, तो खजांची चौराहे पर अभी हम लोग हैं इस समय और यहाँ से चल रहे हैं असुरन की तरफ। तो फिलहाल देखिए उस तरफ का रेड लाइट बंद चालू हो गया है। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही चलता है हमारे ट्रैफिक का रूल, जो कि काफ़ी अच्छा है। उस इस रूल के तहत काफ़ी आसानी होता है, मतलब गाड़ी से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अच्छा लगता है, इसीलिए तो रूल भी बनता है। रूल तो फिलहाल इसीलिए बनता है कि ताकि जनता को थोड़ा सा अच्छा लगे और जनता का भला हो, इसीलिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो फिलहाल जो भी रूल रेगुलेशन है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर है पेट्रोल पंप, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इससे आगे। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और यहाँ पर टैक्सी से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं हैं कुछ इसी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो फिलहाल
बहुत ही बेहतरीन लुक नज़र आता होगा आपको, बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ से दिखता है रोड का। तो फिलहाल आप लोग देख ही पा रहे हैं वीडियो में कि कितना बेहतरीन तरीके से लुक दिख रहा है हमारे गोरखपुर शहर का, वीआरडी मेडिकल रोड। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों वीआरडी मेडिकल रोड का लुक कितना बेहतरीन तरीके से हमारा वीआरडी मेडिकल रोड बदल चुका है। हालाँकि अगर आप 3 साल पहले का इस रोड का लुक देखें ना, तो वास्तव में हालात बहुत ही बदतर था। ओनली 1 लेन था और भीड़ तो काफ़ी इतना ज़्यादा होता था कि कुछ मत कहिए दोस्तों, काफ़ी हालात बदतर था उस समय। लेकिन जैसे ही रोडों का डेवलपमेंट कार्य कंप्लीट हुआ और ये रोड 4 लेन बनी, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्रदान हुआ हम लोगों को और अब आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हालांकि खजांची चौराहे के पास बस रेड लाइट की वजह से थोड़ा वो तो होना ही है, उतना होगा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हम लोगों को करना पड़ जाएगा। तो फिलहाल अच्छे के लिए थोड़ा सा वो होना ज़रूरी है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा हो चुका। और ये भाई साहब बीच में ला रहे हैं तो फिलहाल लाने दीजिए, इसी तरीके से फिलहाल चलता चाहिए आराम से यहाँ पर इंडियन गैस। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे और हम आप वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे बेहतरीन दृश्य। तो जब तक हो सकता है हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमको लगता है कि बसारतपुर की तरफ पहुंचने के बाद वीडियो बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूरी कितना देखेंगे आप लोग। फिलहाल जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को बेहतरीन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए बसारतपुर तक का हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं बेहतरीन व्यू बसारतपुर तक के, यानी कि बीआरडी मेडिकल से लेकर के बसारतपुर तक। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम, तो कंस्ट्रक्शन काम भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है हमारे गोरखपुर में। तो फिलहाल दोस्तों कंस्ट्रक्शन का कार्य हो बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नवरात्रि का समय भी चल रहा है, लोग काफ़ी इधर उधर माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं। तो फिलहाल कुछ इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में बहुत ही बेहतरीन लुक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं कि रोड में कहीं पर भी हमें जाम का सामना नहीं करना पड़ा। 4 लेन बनने से सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि कभी भी हम लोगों को जाम का सामना नहीं करने को मिलता है और हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं रोडों पर, कभी भी ट्रैफिक का समस्या नहीं करना पड़ता है हम लोगों को। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हम एक बार और कहना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल जिसका नाम VK मौज मस्ती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत तरह की वीडियो भी आती रहेंगी और सॉन्ग्स का फ़िलहाल अभी इस समय शूटिंग काफ़ी बंद है, तो इसलिए इस समय अभी सॉन्ग अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल जैसे ही टाइम मिलता है और शूटिंग सॉन्ग का भी चालू होता है, तो आप लोगों को सॉन्ग भी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि धीरे धीरे हम आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल VK मौज मस्ती को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरी प्यारी फैमिली, चलिए अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।